ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। उज्जैन पुलिस को चोरी के बड़े मामले में सफलता हाथ लगी है। 3 माह पहले चोरी किया गया 12.5 लाख रुपए की कीमती सामान को पुलिस ने खोज निकाला है। इस मामले में 3 आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। देवास के रहने वाले आरोपियों ने इंदौर निवासी लाहोटी परिवार के साथ चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने 3 महीने में चोरी के मामले को सुलझा लिया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से 12.5 लाख रुपए के कीमती सामान बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 24 अप्रैल को इंदौर निवासी डॉक्टर सतीश लाहोटी कोटा से शादी अटेंड कर वापस अपनी फैमिली के साथ इंदौर आ रहे थे। रास्ते में ढाबला खुर्द के पास अजाहत बदमाश ने 16 सीटर ट्रैवलर गाड़ी के ऊपर रखे सूटकेस और बैग की राशि पार कर दी थी। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से टीम से घेराबंदी कर आरोपी वीरेंद्र झाला, सुरेश सिसोदिया, नारायण को ग्राम पाट में डुगर खेड़ा रोड के पास से गिरफ्तार किया है। अन्य 5 आरोपी फरार हैं। करीब 10 लाख रुपए का ये सामान है। 2 मोटरसाइकिलें जो चोरी में प्रयोग की गई थी उसको भी बरामद किया गया, उनको भी जब्त किया जा रहा है। बाद आज इनकी रिमांड फिर से ली जाएगी और उनके संबंध में जो अन्य आरोपी उनके संबंध में पूछताछ की जाएगी। इसका पूरा एक डेटाबेस बनाया और जो जिस जिले और थाना क्षेत्र के ये अपराधी हैं संबंधित थानों को हमने सूचना दी है कि इनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाए। नैनावत चौकी पे हमने अलग से पेट्रोलिंग वाहन भी प्रयोग किया गया जो लगातार बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करता रहता है। ये हमारी टीम ने इसमें पिछले 3 महीने से लगातार इसमें मेहनत कर रही थी। कई फुटेजेस को एनालिसिस किया गया, साइबर का डेटा एनालिसिस किया गया, उसके बाद ये जो क्लूज मिले प्लस मुखबिर सूचना थी उसके बाद महिला थाना प्रभारी के साथ इनके जो डेरे हैं उसको दबिश दी गई, उसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।